हाय सती, हाउ आर यू? बड़ा अच्छा लगता है पंजाब में आकर, यहाँ मैं अक्सर देखता हूँ, क्योंकि सात सुना दुबई का, मैं एक सिंगर बॉम्बे के ने ना ही लगा उन्होंने पतली जीन पाई उन्हें जी, ऐसे फिर डो लत्त, ठीक है, मूँह बिड़ी इतने तो कट लगे हुए और फिल्म देखना है बाबा। मैं प्रोफाइल भेजता हूँ जसवंत भाई का, कमाल आर्टिस्ट, ये स्टैंडअप मेरे साथ रहेंगे, ठीक है, बुक करो, 1500 बुक कराते हैं। तो वो बंदा भाई शराब पीती तो मैं कड़ा लगा मैंने देने लग गया, भाजी बंदे पै गए, मैंने एक सुन मारे ठुड मारे भाजी, मैं उन्हें बदला लवान, मैं भाजी गेट थलों की होया, उन्हें थोड़ा दात लिया गया मारिया मेरे उस्ताद, जिथे गल्लां होणगियां उत्थे कॉमेडी भी होगी, तो एक होर चीज़ स्पैशल होगी वो असीं इस शो के लास्ट में दसांगे, वो सरप्राइज़ है सारिआं दे लई, क्योंकि अज्ज साडे जिहड़े गैसट ने बहुत ज़्यादा खास ने, तो जिन्हें भी दुनिया भर के पंजाबी वसदे ने उन्होंने सारिया ने MH1 का हसदे सांदे रहो शो जरूर देखा होगा। तो जो उस शो का जिक्र होंगे तो सब तो पहला दो ना ही हमेशा जिंदगी दे विच सामने आते हैं, जिन्होंने कि एक बेस्ट कॉमेडियन जिहड़े दुनिया के मने जाते हैं, कपिल शर्मा, तो दूसरे जसवंत सिंह राठौर। सो अज साडे नाल जसवंत सिंह राठौर जी मौजूद ने, सो मैं स्वागत करदा भाजी दा। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल भाजी? बहुत वधिया सर, तुसीं कि भाई लाइफ लाइव बस सतरंगी है। चलो बहुत सोहना लगे भाजी, वधिया लगे तुसीं अज साडे स्टूडियो पहुंचे, अपना टाइम दिता। तो जिवें हुण आपां स्टार्टिंग दे विच मैं जिक्र कर रहा सीगा कि आपां अज दे एपीसोड दे विच जिथे गल्लां वी करनियां ते कॉमेडी दा भाजी फिर जरूरी बनदी बनदी है, क्योंकि जो चीज़ है ना, तो बित्तर बादशाह वाला जिहड़ा करैक्टर हैगा वो सारे दिलां च वसिया होया। तो आपां शुरुआत उत्थों करके फिर आपां सारे जिन्ने भी आर्टिस्ट हैगे थोड़ी थोड़ी जी अज गलबात हो जाए उन्होंने। बित्तर बादशाह इदां वी उह किन्ने साल हो गए बट वो अजे भी भुलिया नहीं है ना जी, तुम जिक्र किया जिथे भी जाओ गल। मैं याद है, मैं मतलब कि चलो सोशल मीडिया तो हूँ कुछ सालों तो ज़्यादा है ना बंदे एक्टिव हुए हैं सारे, तो 2006 की गल है शायद, है ना, जो हसदे सांदे रो चलता सीगा, तो उदो मतलब कि MH1 और TV चैनल के प्रधान होंगे सके, तो असं ग्रैंड फाइनल तो पूरा एन देखा हसदे सांदे रो, तो पूरा इंजॉय किया। तो लास्ट वाली परफॉर्मेंस मैं जिम्मे स्टार्टिंग कपिल शर्मा जी का है ना जिक्र करेगा, उन्होंने सिलंडर वाली जी परफॉर्मेंस वो याद है, थोड़ी बित्तर बादशाह तो अलग अलग मिमिक्रीज वो सारिया याद ने। क्या बात है, वो एक्चुअली इदा होंगे ना भी वो तो याद है क्योंकि वो रियल करैक्टर है जी, अपना जो फेक गल करते हैं वो आई गई हो जाती है जी, जो रियल मैं वो करैक्टर जो हों मैं पता नहीं ही स्टैंडअप जो एक नवा दौर चला हर बंदा करैक्टर लैके आता है, जिम्मे सुनील पारा तनूरा लिया उन्हें लाफ्टर चैलेंज जी, तो राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया जी, तो एक ट्रेंड हों करैक्टर, तो मैं भी मैं तो मेरी मिमिक्री बहुत मेरे को करैक्टर से, मैं भी ये तो फिल्मी करैक्टर है और असली करैक्टर कहते करो कोई, मैं असली करैक्टर की करिए असली करैक्टर, फिर मैं याद आया किदा बनया, तो फिर मैं इदा ही मैं याद है असं ना चांद सिनेमा फिल्म देख गए मैं मेरा दोस्त जी, ठीक है, तो वो पिछे करैक्टर खड़ा मेरे है ना, पतली जीन पाई उन्हें मतलब मैं सिगड़ा मो लत्त, ठीक है, मूँह च बिड़ी इतने तो कट लगे हुए मतलब लड़ाई, तो और उस्ताद फिर जड़ी फिल्म देखना है बाबा, मैं क्या विनाशक फिल्म, अच्छा कैंट है भाई छट्टी का काम बड़ा, मैं दो बार देखी भरा, और सुना किधर रहना, मैं क्या इधर बस्ती उत्थे अपने कदे पंगा पवे भरा नूं याद करी, मेरा अपना सारा ही उस्ताद अपने एरिया, मैं अच्छा तो ठीक है भाई तुम्हें की आ देख इधर, उन्हें ना चाकू रखे थे किरच राती शिंगार सिर में पंगा पै गया भरा, मेरे डैडी उत्थे पंगे बंदे बद गए भाई, मेरे डैडी ने इको गल समझाई कहते बंदे जो बद जाना जान बचाओ बाद च बदला लिया सकते हैं, भाजी बंदे पै गए उन्हें एक सुन मारे ठुड मारे भाजी, मैं उन्हें बदला लवाने, मैं भाजी गेट थलों की होया, मुँह ने थोड़े दात लिया के मारिया मेरे उस्ताद, रोया नहीं पर भाजी करे आगे रोया हाँ, हूँ मैं तैयारी कसी है जिते मैनू मिल गया मैं उस्ताद चीर फाड़ कर देनी बाबा टोटे कर देने देखी उस्ताद। तो मैं भाजी तुम मैं उदो ना दिमाग बड़ा होंगे इधर के बंद ने यारी बना के रखो लड़ाई लुई वेले काम आते हैं दिमाग होंगे ना, मैं भाजी थोड़ा नंबर PP नंबर उस्ताद तीन घर छड़ गए लिख सर 635-347 उन्होंने याद कर दी बबू डॉन कह दी एक बार उस्ताद मेरा ना लै दी, तो मैं अच्छा तो मैं हो टिकट लै ली, मैं मेरी जान पछाणा मैं भी कहूगा कि मैं लैने, मैं नहीं लई नहीं दो लै ली फिर उस्ताद मेरी भी लै, तो बाद मैं क्या हाँ जी हाँ जी कोई नहीं भाजी, जो मैंने टिकट लई पिछे खड़ा मेरे कोई ना तू भैया हटा देख नहीं रहा टिकट तेरे घसाना पैना भैया चल पिछे हो दो फुट तो सारे मुश्क मारी जाने परे हो
तो मैं क्या चलो इदा तो बंदा भी चाहिए हों तो मैं परस कढ़िया तो उदो 20 रुपए की बालकोनी की टिकट सी बालकोनी जला वधिया पखे लगे थले तो भइए बड़े उस्ताद मुश्क मारनगे पान थुके बड़े गंद पाया थले मैं अच्छा जी मैं दो टिकटा लाइया उन्हें मेरा परस देखा मुड़ के मैं पाया जो मैं अंदर गया तो बंदा भी गया मेरा परस भी गया तो हूँ आह मेरे ट्रैजडी हुई मेरे दिमाग रह गया यार उदा एक बंदा मिले मुड़ के इधर एक दो होर मिले मैंने करैक्टर मैंने याद आया मैं इतने किस्से सुनाए वो बड़े हसते जी मैं तुम्हें कहते यार आओ साडे महल भी इदा का बंदा जो मैं तीन चार बंद क्या कहते यार साडे पिंड भी है इदा का बंदा है तो मैं क्या हर जगह आया फिर मैं करैक्टर मैं नाम की रखिए यदा तो नाम फिर नामकरण करना ही नाम की रखिए नाम की रखिए मेरा सब तो छोटा चाचा है उन्होंने विह नहीं होंगे ही असली है ना बचित्र सिंह वो विह नहीं हों तो टेंशन ले जाता ही तो ना शराई जहा हो जाता ही डॉन बन जाता कुश्ती वो ना दिमाग फिर जाता ही तो हूँ विह हूँ सैट है इन्ने साल का तो वह ना घर अं बितर कहने वो जो आ डॉन बन जाता ही तू कहता वो मेरी ताकत नहीं जानता खजर कहता मैं कहता कुट भी खा ला मैनू परवाह नहीं उस्ताद कदे पंगा पवे मैनू गल करी मैं कि कहते कहता तेन बंद चार बंदे घेर लैन मैनू फोन करी मजा ला जे मैं तेरा फोन चक लिया है वो इधर गल करता हूँ फिर मैं बित्र बित्र बादशाह वह इदा ही नामकरण हो गया जी तो फिर उदा ही वो अज भी याद है एक हूँ अज भी कितने करो ये पुराना ही नहीं होया करैक्टर क्योंकि करैक्टर तो अज भी फिर मजा आ गया पुरानी यादा आ गई सही गल दसा करैक्टर अज भी है इस करके गया नहीं उही है भी रिलेट करते ना बाकी वैसे सारी जगह भाजी होंगे है करैक्टर मतलब के बाकी लाइव के है ना हर तरह का करैक्टर मिलता है तो कॉमेडी जिमें कह लो कोई भी है चाहे गीतकारी भी है या कोई उही रिलेट करता बंदा जो उन्हें वो हुई हो रिलेट करता बंदा जो जिनी तुसी रिलेट करवा दोगे उन्नी चीज़ वो हिट हो जाती है जी तो जे आप हम गल करिए कि बॉलीवुड मूवीज़ के बच्चों वैसे तो सारे तुसी मिमिक्रीज बहुत अच्छी करते जिन्हें भी तो बेस्ट होर कि आर्टिस्ट जिन्हें दी हम इस टाइम थोड़ा बहुत दिखाओगे सुनील शेट्टी साहब दी तुसी करके दिखाई हां मैं तुहानू गल्लां सुनाईयां मिमिक्री जिवें मैनूं मैं स्टार्ट कीती कुमार साहब अक्षय कुमार दारा सिंह कुमार जी दारा सिंह जी सनी देओल साहब सनी देओल और बड़े ने जिवें फेमस ये ज्यादा होए क्योंकि पंजाब ज्यादा इहनूं पसंद करदे आ जी 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 मैं दारा सिंह ते कोरोना ते इक आइटम बनाई सी उह सुनाना मैं रामायण आई ना हुण ते छोटे हुंदे सीगे रामायण देखदे सी उदों बट इदां आंदा सी दो तीर आही देख के मजा आता ही बच्चे से हूँ ध्यान ना देखी यार अच्छा इतने तो बड़ी तगड़ी फिलोसफी है उस मैंने एक करैक्टर बड़े भी लगता ही दारा सिंह हनुमान जी 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 वो सारे पसंद से जाना पंजाब का बंदा तो मैं एक आइटम बनाई कि मैं क्या रामायण देखी लोगों ने तो जो देखता सवेरे शाम बंदा ना उ जहन च आता जी सबकॉन्शियस माइंड बह जाता थोड़े तो मैं जो कोरोना काल से मैं यार बड़े बोर हो गया मोड़ तक घूम के आने मैं घूम गया तो एक आकाशवाणी हुई हे यार पुत्र तुम जिस मार्ग पर जाने का विचार कर रहे हो वहाँ पर कुछ अजग सजग प्रहरी अस्त्र शस्त्र लिए पहले से खड़े हैं इसीलिए इस मन की व्याकुलता को त्याग दो और कुटिया में ही विश्राम करो। मैं कहा दारा जी ये तो अड्डी आवाज साक्षात तो अड्डी आवाज मैं कमाल होगी वो तो ठीक है उल्लू के पट्ठे तेरा मुख लंगोट कहाँ है। मैं कहा जी मुख लंगोट गया वो मास्क। मैं कहा जी मास्क वो तो घर पर जरूरत होती है ना उसकी। ओ नहीं बेटे उसकी सब जगह जरूरत है क्योंकि ये सतयुग चल रहा है। अगर सतयुग कितना देखो ना ना कोई किसी की लड़ाई ना किसी की बुराई सारे मर्द बैठे संग अपनी लुगाई। तो वो मैं कीती सी कितने लाइव च कीती सी ते वो याद आ गया। फिर बाकी और अक्षय भाई दी मैं कई फिल्में डब भी कीता है। मिमिक्री तो ही जो थोड़ा बहुत एक्टिंग करदा या स्टैंड अप करदा मिमिक्री तो सीखा तो मैं इदा लगता है कि मिमिक्री च सब तो वड्डा अवार्ड यह होंगे कि जो उस कलाकार फिल्म च आवाज कढ़दे हो बिल्कुल क्योंकि मिमिक्री ते किरकिरी च फर्क होंदा किरकिरी होंगी भी दो बंद हसाण लिया एवं थोड़ी ओवर कर देना या मैटर मैनू इदा लगता कि जी तुम नकल करते हो वह भी हसे फिर आओ मिमिक्री सही है तो मेरे लिए अवार्ड वाली गल है कि जिन्ह की मैं मिमिक्री करता उन्होंने मैं डब किया हो उन्होंने ही रैकमेंड किया सनी भाई ने ही मैंने रैकमेंड किया एक बार जो 2010-11 मैं उन्होंने फिल्म आई लव न्यू ईयर और मैं डबिंग पूरी फिल्म है कि मेरी आवाज है अच्छा जी कंगना राणा बंदा फिल्म आई सी जी 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 तो उदा ही अक्षय भाई दी एक दो मैं की प्रोजेक्ट तो मज़ा आता इस करके कि यार व्यू ये अवार्ड है मैं छोटे होंगे कितने पढ़िया कि सुदेश भोंसले बहुत वधिया मिमिक्री आर्टिस्ट ना उन्होंने कैसेट आई पिकनिक जी पिकनिक के रंग सितारों के संग मैं लिया मेले चो 20 रुपए की वो मैं सुनता हूँ ही तो वो आर्टिकल एक पढ़िया ही कि सुदेश भोंसले वो इकलौते आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अनिल कपूर अमिताभ बच्चन के लिए फिल्मों में डबिंग की है मतलब तेजाब फिल्म चाहिए फिल्म आवाज़ उन्होंने है
ਅਗਨੀਪਥ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜੈਸਚਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਆਏ ਸਤੀ ਹਾਵ ਆਰ ਯੂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਗੁੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓਂ ਕੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੇ ਕਰੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਮੇਂ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲੇ ਲੈਜੈਂਡ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਕਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਮੇਡੀ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੈਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਭਾਜੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਵੀਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੀਝ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਲਿਆਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਟ ਲੱਗੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਕਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਆ ਝਾੜੂ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਆ ਠੰਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਭਾਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਪੁੱਛੇ ਹਾਏ ਹਾਉ ਆਰ ਯੂ ਗੁੱਡ ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਵੇਅਰ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੌਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਮੇਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਲਈਏ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਗਾਣੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੀਤ 'ਚ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਬੜਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੇ ਕੋਮੇਡੀ ਕਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਭਾਅ ਜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਰੀਝ ਦੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਫ
ओ करमा च तू होनी है, तू जिथे पैर तर दे मैं कण लग जाए ओ थां, ओ मेरी बड़ी रीज तैनू ओ मेरे बच्चे बोलण मां। क्या बात भाई, बहुत सोहना बहुत प्यारा गाना भाई। थैंक यू रियली बहुत, तो बेस्ट विशेज साडी चैनल की पूरी टीम वालों, तो उम्मीद करते हैं गाना सुपर डुपर हिट हो। तो भाई हुण आपां गलबात करते हैं थोड़ा लाइव शोज़ बारे, कि लाइव शोज़ तुसीं जिवें ना रियलिटी शोज़ सारे टीवी दे देख लेने, लाइव शोज़ जिहड़े हैगे उत्थे दे एक्सपीरियंस जिहड़े हुंदे आ ओह वक्खरे हुंदे आ, तुहानूं इह पता हुंदा है ना, या जिहड़े उत्थे दे बंदे हैगे आ। सो ऐसा कोई एक्सपीरियंस लाइव दा, लाइव शो दा जिहड़ा हमेशा याद रहिंदा। हुण जिवें गाने की गल की है ना, मैनू बड़े साल पहला मैनू भी लगता सीगा, मैनू कई कहिंदे यार भी आ यार देख सारे तरह के बंदे गा रहे आ, तू भी गा, तू वधिया गाना तेरी आवाज़। मैं कहा यार भी कॉमेडी का एक्चुअली ना ऑरा इन्ना वड्डा कि बाकी ना ओवरशैडो हो जांदियां चीज़ां जी, तो मिमिक्री कह लो उच्चो ही टाइम नहीं मिलिया करते करते। खैर तो हुण मैनू लगता है कि हर चीज़ का वक्त हुंदा, तो मेरे ना कई बार ये चीज़ का मेरे ना ट्रैजडी भी हुई आ जी, जिवें जिवें शोज़ करता सी तो एंड च मैं गाँव हूँ, मैं बैंड नाल करना पहला, मैं स्टैंडअप करना मुड़ के जिहड़ी स्टेट च मैं करना उत्थे दा मैं गाना याद कर लैंदा सी, भोजपुरी गाना भी ना गुजरात च मैनूं इदां शौंक भी उन्हां लोग फिर जुड़ जांदे ते मैं वो शौंक हुंदा सी मेरा। तो मैं कई बार एक किस्सा सुनाना दुबई का, मैं एक सिंगर बॉम्बे दे ने नाम नहीं लैंदा उन्हां दा, तो वो लोग आप ही समझ जाणगे है ना, तो वह मैंने लैके गए एयरपोर्ट से, तो वह भी इदा ही कहते भाजी यार मैं मिक्री आपकी कमाल है, वह भी अन्ना का बड़ा फैन ना, कहते यार अन्ना का आप क्या करते हो ये वो, तो इदा गल्ला बातें हुई, तो कहते यार भाई मज़ा आ गया आपके साथ, कहता मैं आप क्या कर रहे हो इस महीने, मैं क्या इस महीने कुछ नहीं अभी खास नहीं, शो मेरे साथ ही हो आप, कहता नाल ही उन्हें ना फोन किया, कहता मैं प्रोफाइल भेजता हूँ जसवंत भाई का, कमाल आर्टिस्ट ये स्टैंडअप मेरे साथ रहेंगे, ठीक है बुक कर दो, 15 शो बुक कराते उन्हें, तो कहता भाजी मैं एक महीना लॉक कर दो, पेमेंट कल आ जाएगा। मैं ठीक है जी, शामी आप पहुँचे दुबई, तो उत्थे शो होया, उत्थे ना पाकिस्तानी ऑडियंस भी होंगी है ना जी, तो साढ़े जो इंडियन लोग जाते हैं उन्होंने लगता भी सारे इंडियन ही बैठे है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दो, तो उन्होंने कुछ इदा की गल करती क्योंकि वो इन्ना ठीक ठाक ही सगा है ना, लाइव भी नहीं गा रहा ही ट्रैक पर गा रहा ही इदा, तो लोगों को मज़ा नहीं आ रहा ही ज़्यादा, मैं देखिया वो क्यों उठ के जा रहे ही या कि उन्हें इदा कहा तो इंडिया ये वो होर नाराज़ हो गए। जो तो बाद मेरी बारी आई तो थोड़ा बहुत आप जो उस्तादों तो सीखिया भी यार ऑडियंस एक भावना परे रख के, ऑडियंस जो रब होंगी है वो धर्म की नहीं होंगी, कि ऑडियंस तुम सुन बैठी है, तो मैं इतने गल की थोड़े शब्दों ना है ना, उ बंदे आके बह गए, तो मैं कॉमेडी की हस पे, तो मुड़ के मैं पैरोडी जिम्मे करना पैरोडी गई, तो एक बंद ना शे दुबई का सगा बंदा बड़ा अमीर बंदा, तो वो इन्ना लो सोने ने भरया होया सी, वो आया तो उन्हें मैंने ना आके वाला वाला करके, तो उन्हें मैंने ऐ फड़ाए, तो सानू जो पंजाबियों आदत होंगी 50 का नोट फड़े, मैं उन्हें फड़े तो मैं इतने चाके इदा पिछे फड़ाते, मैं कहा नोट होने म्यूजिशियन पिछे फड़ाते इदा, तो बाद जो मैं थले उतरिया तो वह बंदा कहता यार आपने तो दिन बना दिया उनका म्यूजिशन, मैं क्यों, कहता आपने डॉलर पकड़ाए, वो 50-60 हज़ार पता नहीं किन्ने इतने के इंडियन 50-60 हज़ार रुपए कहता, मैं अच्छा मैंने अंदरों तो लगे, मैं है मैं चलो कोई बात नहीं यार, मैं थोड़ी देर में शौक हो गया नहीं, मैं अच्छा मैं यार पेमेंट सी कले चलो खैर हो गया, फिर मैंने वो बंदा आया जफ्फी पाई, कहता यार मुझे आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगी, कहता उन्हें उन्होंने दूजे से कहता यार उससे अच्छा तो आप गा रहे थे, मैं नहीं नहीं ऐसी बात, कहता आप चलो, वो आ गया सिंगर, कहता मेरे घर पर चलना है, वो नाल लै गया, तो वो छत ना सोने की सारी, अच्छा मैं देखा मैं ऐसे अच्छा लग रहा गोल्ड, कहता गोल्डन है तो कहता सब अच्छा, तो मतलब कहता मैं आपके लिए क्या, कहता मज़ा आ गया यार, कहता सूफी कलाम सुनाओ कोई आप पाकिस्तानी, तेनों मैं ना वो सुनाया बुले शाह की काफ़ी आप नहीं सही हो, क्योंकि उन्होंने तो पता भी नहीं, आप थोड़ा बहुत है ना जिम्मे पंजाब चो गए सूँ पता ही है, मैं दो लाइना सुनाइया, तो वो बंदा भाई शराब पीती तो मैं कड़ा ला के मैं देने लग गया, तो वो मैं क्या नहीं यार ज़्यादा हो जाना, मैं क्या आपने दिए हैं बहुत, मैं तो दोबारा पाता हूँ आ सारा तो प्यार, वो बंदा जो है सिंगर जो आया वो कहता यार उदा भी मेला लुट गया है, तो गा मैं सिंगर हाँ तो गाने को सुनी जाता पाया, मैनू पता लगा, मैं यार मैं थोड़ा ऑकवर्ड जिहा फील होया, मैं सर इनको सुना मैं वो अमीर बंदा नहीं, हाँ ठीक है आ मेहनत करो थोड़ी, कहता थोड़ा ना कहता आप दूसरा लिटरेचर भी पढ़ो, ए हिंदी विंदी गाने भी ठीक है पंजाबी भी है सब मज़ा है, मैं बड़ा उस तो बाद चलो उदो तो हो गया, उससे तो मैं किंग बन गया, मुड़ के मेरे 15 शो कैंसल हो गए, मैंने फोन किया चके ही ना, कहता भाजी वो पोस्टपोन हो गए, बड़े पंगे पेंदे ज्यादा टैलेंटेड होने का बड़ा नुकसान सही गल
ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮੇਡੀ ਇੱਕਦਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਤਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਤਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਸਹਿਮ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹੋ ਜੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਘਟਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਆਪੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਰਿਊਮਰ ਸੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, 15 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੱਟ ਜੁਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਅਬਾਸ ਮੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਜੇ ਚੱਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਾ 16 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਇੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਜੂਹੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਓਸ਼ੀਵਾਰਾ, 2 ਘੰਟੇ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ, ਅਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੂ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਮ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੀਚ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼, ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾਵੇ, ਪੱਕਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਊਗਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਪਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਘ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਰੂਹ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ।